सोमवार को गदर और बॉर्डर फेम सनी देओल ने पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। सनी देओल बीजेपी के टिकट पर गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन फाइल करते वक्त सनी देओल एकदम अलग लुक में पहुंचे। नॉमिनेशन के दौरान सनी पाजी के सिर पर पगड़ी थी और वे सिख सरदार के लुक में थे। उन्होंने ब्लू शर्ट और पीली रंग की पगड़ी बांधी हुई थी। सनी देओल का ये न्यू लुक देखकर लगता है कि वे चुनावी रंग में रंग चुके हैं। सनी देओल का सिख लुक उनके फिल्मी किरदार की याद दिलाता है। फिल्म गदर में भी सनी देओल पगड़ी बांधे नजर आए थे। सनी देओल को सपोर्ट करने के लिए छोटे भाई बॉबी देओल भी पहुंचे। बॉबी पूरे वक्त सनी के पास ही खड़े रहे। बताने की जरूरत नहीं है कि दोनों भाइयों की बॉन्डिंग बेहद खास है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और जितेंद्र सिंह भी सनी देओल के नॉमिनेशन में साथ थे। सनी देओल ने कुछ ही दिनों पहले बीजेपी की सदस्यता ली है। बीजेपी में शामिल होते वक्त वे पगड़ी में नहीं दिखे थे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सनी देओल ने चुनावी रैली भी की, तब भी सनी देओल पुराने गेटअप में ही नजर आए। सनी देओल को पगड़ी में देख फैंस खासा उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर सनी की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मालूम हो कि सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है। इसी नाम से साथ सनी देओल ने पर्चा दाखिल किया है। इन दिनों सनी देओल पूरे एग्रेशन के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। नामांकन के बाद सनी देओल रैली भी करेंगे। रिपोर्ट्स, गुरुदासपुर में नामांकन भरने से पहले सनी देओल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मथा टेकने पहुंचे। इस दौरान सनी नीली पगड़ी बांधे नजर आए। सनी देओल ने बीजेपी में शामिल होने के बाद राजस्थान के बाड़मेर अजमेर में बीजेपी उम्मीदवार के लिए रोड शो किया था। चुनावी मैदान में सनी देओल को अपने परिवार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। खबर है कि सनी के लिए उनके पिता धर्मेंद्र और भाई बॉबी भी गुरदासपुर में प्रचार करेंगे। गुरदासपुर में सनी देओल का मुकाबला कांग्रेस के सुनील जाखड़ से है। सनी देओल ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एक्टर से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, हम दोनों ही मानते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। बता दें, गुरदासपुर का प्रतिनिधित्व विनोद खन्ना करते आए हैं। वे चार बार से बीजेपी सांसद रह चुके हैं, लेकिन विनोद खन्ना के निधन के बाद उपचुनाव में बीजेपी के हाथ ये सीट निकल गई। अब देखना होगा कि सनी देओल का साथ मोदी लहर को गुरदासपुर में फिर से कायम कर पाता है या नहीं।